आज अक्षय तृतीया आणि अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर सोनं खरेदी केली जाते, मात्र लॉकडाऊन मुळे सध्या दुकानं बंद आहेत, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सोनं खरेदीचे व्यवहार ठप्प आहेत. आणि ह्या सगळ्या संदर्भातला ज्वेलर असोसिएशनचे अध्यक्ष कुमार जैन यांच्याशी बातचीत केलेली आहे आमचे प्रतिनिधी अमित जोशी यांनी. ज्वेलर असोसिएशनचे कुमार जैन आपल्या बरोबर आहेत. सर, काय सांगाल की शुभ मुहूर्त आजचा दिवस आहे, सोने चांदी खरेदी मोठ्या प्रमाणात होत असते, मात्र आजचं चित्र काय आहे पूर्ण तुमच्या या बिझनेसमध्ये, काय परिस्थिती सध्या तुम्हाला जाणवते? सर, सर्वप्रथम मैं हमारे जी जी न्यूज़ के सभी दोस्तों को आज के हार्दिक दिन की शुभकामनाएं देता हूं, अक्षय तृतीया की. बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में बड़े बड़े पर्व लोग मानते हैं और एक उनकी सेंटिमेंटल वैल्यू रहती है कि भाई आज के दिन सोने की खरीदारी की जाए. हम कस्टमरों के जब फ़ोन आ रहे हैं उनको हमारे से सेट दिखा रहे हैं और उसके बाद में सेट दिखाने के बाद अगर उनको पसंद आ जाता है, वीडियो कॉलिंग से हम सेट दिखाते हैं और पसंद आ जाता है तो वो उनको देख के भेज रहे हैं और वो पेमेंट ऑनलाइन हम ले रहे हैं. महिलाएँ सेट लेती और गले में पहनती नहीं या कान में पहनती नहीं तब तक उसकी फीलिंग्स नहीं आती कि उन्होंने खरीदारी की है. तो ये सब देखते हुए लोग आज किसी तरह हम आशा रखते हैं कि भी हमारे भी बड़े बड़े शोरूम हैं, उसके भाड़े हैं, उसके रेंट है, उसकी लाइट के खर्चे हैं, इस तरह से कई खर्चे हैं. तो ये सब जो खर्चे हैं कहाँ से निकालेंगे हम लोग? हम लोग भी आज 1.5 साल के आसपास होने आ रहा है, अब तक हम सहन कर रहे हैं, बच्चों का खाना पीना हम सब व्यवस्था करते हैं, उनको रहने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमारी भी क्षमता कहाँ तक होगी? आज तो हम हैं, जिंदा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कई सालों से बिजनेस करे, लेकिन कल हम भी ख़त्म हो जाएंगे. सरकार को इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. जर्नलिस्ट संदेश बैकर से अमित जोशी, जी 24 तास, मुंबई. भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे कोरोना स्थितीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी आज पुण्यात आढावा बैठक घेतली. कंट्रोल रूम मधून न्यायालयाला बेड्स बाबत खोटी माहिती दिली गेली, कंट्रोल रूम मधील शिक्षिकेवर कारवाई करण्यात आल्याचं अजित पवारांनी म्हटलंय. पुण्यात लवकरच कोवॅक्सिन लसीचं उत्पादन सुरू होईल आणि त्यासाठी पुण्यातील 28 एकर जागा भारत बायोटेक कंपनीला देण्याच्या सूचना दिल्याचंही पवार यांनी म्हटलंय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बार काउन्सिलच्या लसीकरण कार्यक्रमासाठी हायकोर्टात आले होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांची भेटही घेतली. दोघांमध्ये सुमारे 15 मिनिटं चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांसोबत महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी, महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल उपस्थित होते. नवी मुंबईमध्ये खासगी सोसायटीत कोविड लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे. सीवूडमधील सीवूड एस्टेट NRI कॉम्प्लेक्स फेज 1 मध्ये आज लसीकरणासाठी अपोलो ह्या खासगी रुग्णालयाकडून हा कॅम्प लावण्यात आला होता. 850 रुपये देऊन लस देण्यात येत होती, त्यामुळे सोसायटीमधील ज्येष्ठ नागरिकांना फायदा झाला. आज सोसायटीमधील 800 लोकांनाही लस देण्यात आली. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे